नमस्कार दोस्तों, YouTube पे जाएं और सर्च करें तुरंत ही अविल गुरु। सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह स्वागत करता हूं आपको जहां पे भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो। अगर वहां पे दिन हो तो गुड मॉर्निंग, शाम हो तो गुड इवनिंग कर लीजिएगा, अगर दोपहर चल रहा हो तो गुड नून कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, आज मैं आपके पास आया हूं एक बहुत ही सिंपल सा और ट्रिकी क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, जहां तक मैंने देखा है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है कि बेसिकली परसेंटेज में वो बहुत भागते हैं, उनको जो है परसेंटेज से बहुत दूर जाना होता है, वो जाना ही नहीं चाहते परसेंटेज के। एक्चुअली में ये कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपने उसको बहुत टिपिकल बना रखा है। और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में आपको मिलते हैं, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ डेटास चेंज होते हैं। एक बार आपने अगर वो मेथड देख लिया जो आज मैं बताने जा रहा हूं, फिर आपको किसी भी एग्जाम में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन पहले आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन ढूंढेंगे कि सही आंसर वाला कहां पे है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, मुश्किल से 10 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम, इसके बाहर कभी किसी एग्जाम ने पूछा नहीं है। अगर इसके बाहर से क्वेश्चंस आते हैं यानी कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में करने के लिए बने ही नहीं होते हैं, उनको तो एज इट इज छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही बसाए जाते हैं कि स्टूडेंट जो है उसमें फंस जाए। मोस्टली 10 टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें ही आपका सारा जितने भी तरीके के होंगे सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, एक सामने क्वेश्चंस आपको लिखा हुआ मिल रहा है, प्रॉब्लम का फॉर्मेट आता कैसे है। साफ साफ एकदम दिख रहा है कि सैलरी ऑफ ए वर्कर वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई एक्स परसेंट एंड दियर फोर डिक्रीज बाई वाई परसेंट, सो वॉट वॉज द चेंज परसेंट चेंज इन हिज सैलरी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको क्या कर रहा है, पहले किसी को आसमान पे ले जा रहा है और फिर जमीन पे पटक दे रहा है, यानी कि पहले उसकी सैलरी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, और फिर क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। फिर आपसे पूछा कि बताइए कितना चेंज आया। अच्छा, जैसे मान लीजिए पहले किसी का प्राइस हमने जो है 10% बढ़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कहा भैया 10% कम कर देते हैं, तो बताइए कितना चेंज हुआ। आप कहेंगे 0%, 10 गया 10 आया, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जो है रुपए में चलता है, जहां के परसेंटेज की आ जाती है ना, तो वहां पे से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज अलग चीजें होती हैं। परसेंट में जब कोई चीज कहता है तो उस वैल्यू के हिसाब से चलने लगता है कि उसकी वैल्यू कितने से कितनी होनी चाहिए थी, यानी कि उसने जो है आपकी सैलरी को रुपए में नहीं बढ़ाया कम किया है, उसने आपकी सैलरी को परसेंटेज में इंक्रीज किया था और फिर परसेंटेज में डिक्रीज भी किया है, और उसने जो चेंज पूछा है वो भी परसेंट में ही पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको यहां पे बस क्या करना है कि क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, एक शॉपकीपर मार्क्स द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स एट 20%, ठीक है ना, हायर देन द ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर दैट बी अलाउज ए डिस्काउंट 10%, तो व्हाट प्रॉफिट और लॉस डिड। देखिए दो टर्म्स मैं यूज करूंगा जब भी मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, प्राइसेस की इंक्रीज की, तब मैं पॉजिटिव साइन लेके चलूंगा, ठीक है, और जहां पे मैं बात करूंगा लॉस की या डिस्काउंट्स की, तो वहां पे मैं आपको निगेटिव साइन के साथ मार्क्स करूंगा। तो एक फार्मूला है, आपको क्या करना है, वहां पे सब्जेक्टिव तो करना नहीं, आपको तो कम टाइम है, बस जस्ट से आंसर लेना है और तुरंत अगले क्वेश्चन पे भाग जाना है, आपको तो वहां टाइम ज्यादा देना ही नहीं है। तो इसको समझाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला, देखिए ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके बाहर जाएंगे ही नहीं। इवन अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में भी अगर हम परसेंटेज को लाके रख दें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लड़के बहुत दूर भागते हैं, वो भी इस फार्मूले से आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। एक फार्मूला है एक्स वाई, यानी कि दो क्वांटिटीज में मैंने चेंज किया था, आप सिंपल सा फार्मूला रखिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, यानी कि ए मतलब एक्स को वाई में ऐड करिए और फिर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके सिर्फ उतने ही पोर्शन को 100 से डिवाइड करना है,
और उसके बाद पूरा इक्वेशंस बना लेना। फिर इस फार्मूले में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्टली इस फार्मूले में आग बंद करके रख दीजिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चंस को मैं इस फार्मूले में अगर रख दूं, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लिख के समझाता हूं। देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चंस जो है, आपसे कहा कि एक शॉपकीपर ने जो है किसी की जो सैलरी है उसको 20% इंक्रीज कर दिया। मैंने बोला ना कि इंक्रीज की बात जब करेंगे तो हम पॉजिटिव साइन या एरो से भी समझ लेते हैं, समझाने में थोड़ा आसानी होता है। आप अप एरो का मतलब होता है वो चीजें इंक्रीज कर रही हैं, और डाउन एरो का मतलब वो चीजें डिक्रीज कर रही हैं। और उसके बाद फिर हमने जितना भी हुआ उस पर हमने क्या किया, 10% कम कर दिया। और फिर आपसे पूछा कि परसेंटेज चेंज बताइए कितना हुआ, तो आपको देखिए क्या करना है, 20 इंक्रीज है यानी कि प्लस 20 करिए, सॉरी 10% क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज में हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन, माइनस 10 करिए। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन देखिए किसका कर रहे हैं, प्लस 20 का कर रहे हैं किसके साथ, माइनस 10 के साथ, और सिर्फ इन्हीं को डिवाइड करना है, किससे, 100 से डिवाइड करना था। और यहां पे साइन अभी आप ले लीजिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव ही लेते हैं, बाद में जो डोमिनेट कर जाता है वो साइन आ जाता है। देखिए जब भी हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो डोमिनेटिंग साइन पे हमेशा जो होता है निगेटिव आ जाता है, यानी कि जो इसका दूसरा फार्मूला बनेगा एग्जैक्ट में अगर हम देखें, एक सेकेंड, देखिए कितना हो जाएगा, ट्वेंटी माइनस 10, और ये देखिए 200/10 यानी कि माइनस 2, टोटल कितना हो गया, 10 × 2 यानी कि पॉजिटिव साइन में 8%। यानी कि अगर हमने किसी को, किसी की सैलरी पहले 20% इंक्रीज की और 10% डिक्रीज की, फिर पूछा कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ, तो वो 10% नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, 8% का इंक्रीज हुआ। ये क्योंकि ये 8 पॉजिटिव में आया है, यानी कि ओवरऑल उसकी सैलरी बढ़ी हुई रहेगी। इसको दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि आपने जो है जैसे मान लीजिए आपसे क्या कहा उसने कि एक बार आपने सैलरी को जो है, ये क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व हो गया। देखिए ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स एट 20% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर दैट वी अलाउज अ डिस्काउंट 10%, तो व्हाट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव साइन, यानी कि उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। अगर ये निगेटिव में आता तो हम कहते हैं कि उसको जो है लॉस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, बस एक बार देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये सक्सेसिव कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो बार इंक्रीज कर देता है, फिर कभी कभी क्या करता है, दो बार डिक्रीज कर देता है। तो दो बार इंक्रीज में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि साइन हर बार पॉजिटिव होगा, लेकिन जब वो दो बार डिक्रीज कर देगा तो मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, क्योंकि जैसे डिक्रीज किया जाता है तो डिक्रीज में देखिए एक बार माइनस लगेगा और फिर आपको एक बार माइनस लगेगा, और फिर जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, ये दोनों नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अब अगर हम आपसे कहें कि -20 -10 यानी कि -30, और ये फिर यहां पे +2 हो जाएगा यानी कि -28%, यानी कि उसने जो है इस तरीके से आपका डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नेगेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये। अब देखिए आपसे हम कहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं कि फॉर पॉपुलेशंस 2D फिगर की बात करते हैं, या तो वो एक्सेस करेगा या तो डिफिक्स करेगा, या ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्क्वायर्स पे जहां पे एरिया की बात होती है। और इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा
एरिया हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, बहुत सारी चीजें हुई। फिर से मैं आपको दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। आपसे हमने कहा कि एक रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर को मतलब आयत कहते हैं हिंदी में, अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो तो देख लें, ये रेक्टेंगुलर है यानी कि इसको हम लोग आयत कहते थे हिंदी में। इसमें क्या होता है कि दो साइड्स अपोजिट में इक्वल भी होती हैं और एक साइड सेम लेंथ की नहीं होती है, लेंथ में इनके डिफरेंस होता है। जब इन्हीं की चारों की लेंथ सेम हो जाती है तो हम कह देते हैं कि वो स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्ग हो गया। आपसे क्या, ये आपने एक रेक्टेंगुलर बना रखा। क्वेश्चन आया कि अगर इसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी ब्रेथ को भी 10% इंक्रीज कर दिया जाए, फिर पूछा कि बताइए इसका एरिया जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, एक बार भी हमने +10 लिया और अगेन फिर हमने क्या किया, +10 लिया है और फिर फार्मूले में क्या कहता है, 10 × 10/100, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारे पास, 10, 10, 20 और ये 21, यानी कि 21% उसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा। जबकि आपने लेंथ कितना इंक्रीज किया था, 10%, और आपने उसकी ब्रेथ कितनी इंक्रीज की थी, 10%, लेकिन एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 21% इंक्रीज हो गया। सेम क्वेश्चन आपको स्क्वायर में भी आएगा। अगर मान लीजिए आपने एक स्क्वायर ले लिया है, ये आपने एक स्क्वायर लिया मान लीजिए, फिर स्क्वायर में क्या किया, ये भी ए था और ये भी ए है हमारा। उसने कहा कि अगर इसका एरिया मान लीजिए 10% इंक्रीज किए, पहला एक साइड, ठीक है ना, और फिर आपसे क्या किया, दूसरे को जो है 10% डिक्रीज कर दिए, फिर आपसे पूछ लिया बताइए एरिया में कितने परसेंट चेंज आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि जब इसमें हम ज्योमेट्री को भी लाके रख देते हैं कि जब स्क्वायर भी पूछा और एरिया का परसेंटेज भी पूछ लिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों को लगने लगता है कि कैसे होगा इसमें। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जो ये आपको रामबाण फार्मूला बताया ना, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखिए क्या करना था, पॉजिटिव एरो का मतलब क्या बताया था आपको, कि आप उसको जो है पॉजिटिव साइन का मतलब क्या था, कि आपने उसको +10 किया। डाउन एरो का मतलब क्या बताया था, -10 किया। और फिर हमने क्या बताया था कि 10 × -10/100। देखिए मैंने बोला था कि जो इन दोनों में डोमिनेटिंग साइन होता है वही यहां पे आ जाएगा। तो देखिए यहां पे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस में हमेशा डोमिनेटिंग कौन होता है, माइनस होता है, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इसको मतलब क्या हो जाएगा, -10 और +10 ये तो कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस से ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखिए -1%, यानी कि जो माइनस साइन है ये बताता है कि अगर किसी स्क्वायर का एक बार आपने उसकी जो साइज थी, जो उसके फेसेस की साइज थी, अगर आपने इंक्रीज किया 10% से और फिर उसको 10% से डिक्रीज कर दिया, तो वो सेम चीज नहीं आएगी, यानी कि अब उसका एरिया 1% पहले के रिस्पेक्ट में कम हो चुका होगा। इसी तरीके से बहुत सारे साइन चेंज होगा, हम एक बार 20% इंक्रीज करके 20% और इंक्रीज कर दें फिर कितना आ जाएगा, 10% इंक्रीज कर दे, 10% डिक्रीज कर दे, फिर कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके क्वेश्चंस में, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको। मैं फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। जैसे ये भी एक क्वेश्चन आता है, इफ डिस्काउंट ऑफ एन एटम्स आर 8%। देखिए डिस्काउंट का मतलब एरो में डाउनवर्ड एरो होगा, यानी कि डिक्रीज की बात कर रहा है। आर 8% देन B% द ओरिजिनल वो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट में कितना हो गया। देखिए यहां पे हमने जो प्लस माइनस साइन लिया है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट में मैथमेटिकल दिखाया है आपको। डिस्काउंट में हमेशा क्या चीजें होती है, ओरिजिनल वैल्यू से चीजें कम होती है। हम लोग जब कभी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो,
तो वो डिस्काउंट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव में जाएगा, यानी कि वो जो भी प्राइस उसने लगा रखा है उससे वो रेट को कम करता है, ठीक है ना। फिर कहा भैया 10% दिया है, फिर हमने कहा 10% इससे दे दीजिए और फिर आप भी और भी कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो ऐसा ठीक है 5% हम आपको और दे दे रहे हैं। तो वहां पे जब 10% और 5% दो बार हमने डिस्काउंट लिया, तो यानी कि उसके हिसाब से तो 15% हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या करिए, पहले उसने क्या किया, आपको 10% का डिस्काउंट दिया और फिर उसने आपको 5% का अगेन डिस्काउंट दिया, तो साइन के हिसाब से पूछा कि बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो आप क्या करेंगे, 10 और 5 15, ऐसा नहीं है, आप इसको फिर से ले जाइए अपने रामबाण फार्मूले में लगाने के लिए। ठीक है, आप उसको फिर से अपने रामबाण फार्मूले में लगाइए, यानी कि -10 -5 फिर प्लस लगाइए, -10 -5 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस में आ जाएगा, ये -15 और प्लस 10.5 कितना हो जाएगा हमारा -14.5। ये माइनस साइन ये बताता है कि उसने आपको ओवरऑल 14.5% का डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि ओवरऑल उसने 15% ना कम करके कितने परसेंट कम किया है, 14.5% कम किया है, ठीक है ना। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं कि सर सर्किल के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, कि पहले उसका एक सर्किल है उसका एरिया इतना था, फिर उसने कहा कि अगर उसकी जो हम रेडियस है उसको 10% कम कर दें, तब बताइए अब एरिया में कितना फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या चेक करना था कि उसने कितने कितने परसेंट कम किए हैं। मान लीजिए सर्किल का फार्मूला क्या था, सर्किल का फार्मूला क्या है, सर्किल का फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, सिंपल सा सर्किल क्या है कि ये आपका एक सर्किल है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ये रेडियस है, एरिया की अगर बात करते हैं सर्किल का तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पाई आर इंटू आर। फिर हमने आपसे कहा कि अगर इसका रेडियस 10% इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, अब पूछा एरिया में कितना चेंज हो जाएगा। देखिए उसके रेडियस को उसने एक बार 10% किया, रेडियस कितने बार था, दो बार था, यानी कि आपका वो रामबाण फार्मूला 10% सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे परसेंट मत लगाइए, परसेंट एक साथ लगाइएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार। 10 इंक्रीज किया है, अगेन 10 और फिर जो है आपने अगेन 10 और फिर प्लस, देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 कितना हो गया, देखिए 10 10 10 20 और ये 10 into 10 100 upon 100 121%। ये मींस एक सर्किल था जिसका रेडियस हमने 10% इंक्रीज किया, फिर पूछा कि बताइए एरिया कितना परसेंट चेंज हो गया। तो रेडियस के 10% इंक्रीज करने से हमारा एरिया जो है 21% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ ले कि बताइए सर क्यूब में कैसे होगा, एक क्यूब है, मान लीजिए मैं क्यूब आपको समझाता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि चीजों को बनाने से पहले थोड़ा सा उसका एक इमेज होता है, अगर वो आपके दिमाग में रहेगा ना तो आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, बाकी कुछ है नहीं। क्यूब बोला गया तो कम से कम क्यूब का जो है एक इमेज तो आ जाए हमारे माइंड में, क्यूब होता कैसे है ये देखिए।
ये है हमारा क्यूब। क्यूब में पता है कि इसके 6 फेसेस होते हैं। क्यूब ना समझ में आए तो डाइस आपने खेला होगा, पासा, लूडो खेलते होंगे, तो वो क्यूब का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल रहा था। यह हमारा कमरा जिसमें आप बैठ गए हैं, ठीक है ना। क्यूब का वॉल्यूम देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको पता करनी पड़ेगी भाई कि किसी का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है ना। अगर यही नहीं पता रहेगा तो फिर काम कैसे बन पाएगा। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्या था? ए इसकी ये साइज है। चूंकि क्यूब में सारे सेम है हमारे, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, ठीक है ना। यानी कि सब ए ए के होता है, तो जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है ए क्यूब। अब क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया पूछेगा। उसने कहा कि अगर उसके जो साइड्स हैं, इसका लेंथ जो है हमने 10% इंक्रीज कर दिया, और पूछा कि अब बताइए आपका ओवरऑल वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ गया। तो देखिए अभी तक तो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, कोई बात नहीं। आपको एरिया का मतलब क्या था, साइड का मतलब, तीन ए है हमारे पास। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनको दो दो करके सॉल्व किया करिए, ठीक है ना। जैसे पहले इन दोनों को आपने ले लिया, और इन दोनों में क्या कहा, 10% का है, यानी कि 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 10, ये जो आया ये एक आया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया हमारा, अभी हमने सॉल्व किया था 21 आ गया। अब ये जो दूसरा है ये अभी कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार एक्स में देखिए, अब चेंज हो गया। अब आप क्या करना है, अब आपका पहला एक्स कितना हो गया, 21, वाई कितना हो गया, 10, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन के साथ थे, प्लस 21 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 21 एंड 10 31, और 31 में देखिए कितना ऐड करना है हमें, 2.1 ऐड करना है, याद रखिएगा, क्योंकि 2.1 कैसे आया, 210 अपॉन 100, यानी कि 2.1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33.1 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी था, बस क्या था कि एक बार अगर आप इसको पढ़े रहेंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चंस कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपके अच्छे अच्छे सारे एग्जाम निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब जितना फार्मूला आपको पता होगा उसी तरीके से लग जाएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। और आप इस चैनल्स को देखिए, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइब, ये हमें मोटिवेट करते हैं। इससे पता चलता है कि क्या मैं दूर तक अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट को इससे फायदा हो रहा है। तो आपके व्यूज ही हमारे गिफ्ट हैं। आप जितना व्यूज करेंगे हमें उतनी हैप्पी मिलेगी कि हाँ आप मतलब पढ़ रहे हैं आप मेरी चीजों को। और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज ही हमें आगे मोटिवेट करेंगे कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएं, मेथड लाएं, जिससे घर बैठ के आप अपनी स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच। अंशुमान सिंह आपका अगेन स्वागत करते हैं। जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अविल गुरु चैनल्स को। थैंक यू।